अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये खानदानी डब्बा आपको नहीं बल्कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि आपने परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ये क्या बात है, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और तुम देवरानी हो, और मुझे ये डब्बा चाहिए। जेठानी होने से डब्बा आपको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मुझे मिलना चाहिए। चुप करो तुम दोनों, चुप। तुम दोनों की इन हरकतों की वजह से आज तक मैंने तुम दोनों को ये सुहाग का डब्बा नहीं दिया। तुम दोनों इस घर की बहुएं तो बन गई, लेकिन लायक नहीं बन पाई। भांजी हम सही मायनों में ये सुहाग के डब्बे की हकदार तो राधिका ही है। सुन लिया तुम दोनों ने? राधिका बेटा, इस डब्बे में पुश्तैनी सिंदूर भी है, जब दिव्यम आए तो उसके हाथों से लगवा लेना। जी दादी। जाओ। इस राधिका को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले तो हमारा तैफ़ेम जल्दी से आ जाए। पता नहीं उस नियति से मिला कि नहीं। कीमती और खानदानी लग रहा है। राधिका ने भी इसे सीने से लगा के रखा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें मेरी नाक बनी हो। अच्छा है कुछ भी हो जाए, हम अपने सिंदूर पर आज नहीं आने देंगे। हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, हम इसे संभाल कर रख देते हैं। कीमती? नागमनी से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? वो ना हो, इस राधिका ने मेरी नागमनी ली है। कैसे गिरा? ये मोबाइल अपने आप कैसे गिर सकता है? तो कोई भी नहीं। ये लाइट को अचानक क्या हुआ? हम देख कर आते हैं। गोलू बेटा, तू कहाँ अपनी माँ की बातों में आ रहा है? इस समय तुझे कली के पास होना चाहिए। जा बेटा, देख भगवान न करे इस समय अगर कविता की माँ को कुछ होता तो कैसे पूरा घर सर पर उठा लेती, मुझे भी साथ ले जाती। सही कह रहा हूँ कि नहीं? सही कहा पापा आपने, मैं भी कली के पास जाता हूँ। देख बेटा, अगर घर की बहू है घर की बेटियां बन सकती हैं, तो घर के जवाई भी घर के बेटे बन सकते हैं। ताऊ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर तो लाइट है, फिर सिर्फ हमारे कमरे की लाइट कैसे चली गई? वहीं पर जाकर देखते हैं। मजा। पापा? हाँ? कली का मैसेज आया है। पढ़ बेटा। ये कैसे खुलती है? ये सिर्फ हमारे कमरे की लाइट कैसे गई?
हमें ऐसा क्यों लगा कि वहां पर कोई था? इस लाइट का क्या करें? शायद मेन स्विच में ही कुछ गड़बड़ा। ये तो बस सुहाग की चीज है। राधिका इसे सीने से लगाकर घूम रही थी। मेन स्विच ऑफ कैसे है? क्या हुआ देख रहा? बोलो बेटा क्या हुआ? पापा आप कुछ बड़े हैं। आप भी हंस रहे हैं? ऐसा कौन सा चुटकुला है मुझे भी बताइए, मैं भी हंस लूं। मम्मी कली कह रही है कि उसकी माँ को जो दिल का दौरा जैसा महसूस हो रहा था वो असल में गैस थी। चुप, ऐसा कुछ नहीं है। कली की माँ ने दिवाली में नमक पारे मीठा कुरमुरे सब कुछ एक साथ खा लिए होंगे और वो कली काम से बचने के लिए उसको तो मौका चाहिए था इसलिए वो भाग गई। ऐसा नहीं है कविता, कभी कभी जो गैस होती है ना वो भी हार्ट अटैक जैसा फील देती है। वो तो भगवान का शुक्र है कि इस त्योहार के मौके पर कोई अनहोनी नहीं हुई। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड। सोने के डब्बे में तो कुछ नहीं था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ये हाथी के दांत थे और असल में नागमनी कहीं और। हाय यार, रखते रखते मेरी तो कमर ही अकड़ गई। कल ही भी ना एक नंबर की चालू निकली। मम्मी की तबीयत का बहाना बना के मायके चली गई होगी दिवाली मनाने। आने दो उसे, मैं बताऊंगी उसे। कहीं कली जैसा मुझे वहम तो नहीं हो रहा है ना? मैं ठीक से देख लेती हूँ। भोलेनाथ सपने, शायद ये मेरा वहम ही होगा। हाँ फिर भी खतरा क्यों मोल लो? सतर्क रहना होगा मुझे। नियति हमारा मुन्ना कहाँ है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आया है? तुमने हमसे कहा था कि तुम उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगे, फिर वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा है? माँ जी दिव्यम जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं क्या? वो तो हमसे बात करके कब के चले गए? उनकी आंखों में सच्चाई दिखी हमें, वो तो निर्दोष है। अब आप ही बताइए, अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम यहाँ आते? हाँ तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब हमारा मुन्ना कहीं ट्रैफिक में अटक गया है। लेकिन ऐसा भी क्या अटका है कि अभी तक घर ही नहीं पहुँचा है? उन्हें किसी का फोन आया था मिलने के लिए, हो सकता है वो वहाँ गए हो। आप एक बार फोन करके दोबारा पूछ लीजिए। हाँ ठीक है, हम मुन्ना को फिर से फोन कर लेते हैं। फोन करके पूछते मुन्ना को अभी तक आए क्यों नहीं, इतनी देर हम फोन कर लेते। अगर कहीं ये लोग दिव्यम को ढूंढने में लग गए तो कहीं मेरा बदला अधूरा ना रह जाए। मुझे कैसे भी करके इनका ध्यान भटकाना होगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।